आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल विद वर्किंग प्रोफेशनल में हम बात करेंगे डेटा शॉर्टिंग के बारे में कि डेटा को शॉर्ट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हम आपके साथ आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल लेते हैं जिसमें कुछ डेटा जिसको हम शॉर्ट कर सकें। मैं ये ले लेता हूँ। चलिए हम बात करते हैं डेटा की शॉर्टिंग की। तो डेटा की शॉर्टिंग हमें जरूरत क्यों पड़ती है पहले चीज को जान लें। तो बेसिकली डेटा का शॉर्ट जो हम करते हैं वो डेटा का शॉर्ट करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर हम अपने डेटा को अरेंज कर सके। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस का जो ट्रांसपोर्ट का जो होता है आपकी ट्रांसपोर्ट में जो आपकी चार्ट लगती है, तो मान लीजिए वो चार्ट आपके नाम के अकॉर्डिंग ना हो तो आपको पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा कि आज आपका किस कैब में आपका नाम आया हुआ है, किस कैब से जाओगे आप, राइट। लेकिन वही आपके नाम के अल्फाबेटिक से अरेंज होगा तो आपका नाम अगर मान लीजिए पीयूष जी है तो पीयूष जी का नाम पी से स्टार्ट है, तो पी और यू के ऊपर जाएंगे और अपना देख लेंगे, उनको पूरा लिस्ट देखने का जरूरत नहीं है। पीयूष मित्तल जी प्लीज सेशन को स्टार्ट कर ले, मैंने अलाउ कर दिया है। तो अब शॉर्ट करने के लिए देखिए, सबसे पहले जो बात समझ लीजिए कि डेटा को शॉर्ट करने के लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना या नहीं करना है डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखो कि डेटा को सिलेक्ट करके शॉर्ट करते हैं और कुछ लोग बिना सिलेक्ट किए शॉर्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको डेटा के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि डेटा को बिना सिलेक्ट किए ही करना है कि आपको सिलेक्ट करके करना है। तो पहले आप जो है एक पूरी की पूरी रो अगर आपके डेटा में ब्लैंक है तो डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग चलता है तो ये आपका ऊपर का इतना ही डेटा उठा लेगा। सो डेटा को आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आप शॉर्टिंग करते हैं तो। लेकिन आपके डेटा में कोई भी डेटा अगर ब्लैंक नहीं है पूरा ठीक है तो डेटा सिलेक्ट शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर मुझे किसी एक मान लीजिए मुझे सेल्स मोड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, सिर्फ एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो हम यहाँ शॉर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट ए टू जेड पे लिख देंगे, शॉर्ट ए टू जेड। इससे क्या हुआ कि आपका डेटा आपका शॉर्ट हो गया। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट करने से पहले चलना चाहता हूँ कि एफिलिएटेड में मेरा नेम भी उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाए, तो दो या दो से अधिक कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आपको डेटा को शॉर्ट करना है तो आपको जाना होगा कस्टम शॉर्ट में, और यहाँ पे आप एक सेल्स मोड है, यहाँ से आपका एक डेटा को एक लेवल को ऐड कीजिए, यहाँ से अपने फील्ड्स को सेलेक्ट कीजिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें कॉलम ए बी सी डी होगा। ऐसा तब होगा जब यहाँ पे माई डेटा है जो हिडर पे क्लिक नहीं होगा। अगर माई डेटा है जो हिडर पे क्लिक है तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यहाँ पे सेल्स मोड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं सेल्स इसमें नेम पे सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए आपका नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया। ऐसे दो या दो से अधिक नामों को शॉर्ट कर सकते हैं, और जहां तक मुझे आशा है कि आप लोग जनरली इस फीचर्स का इस्तेमाल करते होंगे। अमित जी मैं सही हूं? क्योंकि जनरली छोटी चीजें छोटी मोटी चीजें जनरली सबको पता होता है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं लास्ट में मान लीजिए एक मंथ ऐड कर देता हूं और यहां पे मंथ दे देता हूं जैन पे। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया तो क्या होगा कि मेरे पास पहले अप्रैल आएगा,
कैलेंडर अप्रैल आएगा क्योंकि वो अल्टरनेटिव चला, फिर अप्रैल आएगा, फिर अगस्त आएगा, उसके बाद दिसंबर आएगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिक चलेगा, राइट सर। तो अल्फाबेटिक चलने के कारण ये आपका यहां पे प्रॉब्लम होगा। तो मुझे अल्फाबेटिक नहीं करना है, मुझे कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग करना है। तो आपको इसके शॉर्ट कस्टम शॉर्ट पे जाना होगा और यहाँ ए टू जेड के जगह पे कस्टम लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अपना देख लीजिए कि जैन पे मार्च मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दीजिए। ये आपका कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे शॉर्ट करना है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। तो अगर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे जाएं और यहाँ कस्टम लिस्ट पे आप अपनी जो लिस्ट है ये आप बना लें यहाँ से कि भाई अप्रैल पहले आना चाहिए, फिर मई आना चाहिए, फिर जून आना चाहिए, फिर जुलाई आना चाहिए। तो अपना सिक्वेंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने इसको ऐड कर दिया एंड ओके। यहां आपका अप्रैल आया, फिर इसके नीचे जाएंगे मई जून जुलाई, ये आपके फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुआ। तो आप अपने हिसाब से किसी भी से, मान लीजिए मुझे नेम को अपने हिसाब से शॉर्ट करना है, तो वो भी आप यहां कस्टम लिस्ट पे जाएं और अपने हिसाब से जो लिस्ट क्रिएट करना है, न्यू पे क्रिएटेड है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और जो क्रिएटेड नहीं है उसको न्यू लिस्ट में जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया जी? अनुराग जी, राहुल जी, सोनू जी, पीयूष जी, कोई डाउट इसमें? नो सर, नो सर, नो सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला ऑप्शन भी यहां पे आता है शॉर्टिंग में कि हमने शॉर्ट तो किया है सेल की वैल्यू के अकॉर्डिंग, मुझे कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना हो। जैसे मान लीजिए कि मैं इसकी क्यूसी कर रहा था क्वांटिटी की और जहां जहां मुझे गलत लगा या कुछ अलग लगा मैंने कलर से इसको हाईलाइट कर दिया। अब जो हाईलाइटेड सेल है उसको मुझे एक जगह पे शॉर्ट करना है, सबसे ऊपर या सबसे नीचे। तो यहाँ कस्टम शॉर्ट पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपनी क्वांटिटी और यहाँ सेल वैल्यू के जगह पे सेल कलर, और जितने भी कलर इस कॉलम में अप्लाई होंगे वो सारे कलर का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया कि येलो कलर, येलो को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, तो आपका टॉप में सारा कलर आ गया। शायद ऑन द टॉप लिखा हुआ था, वहां पे आपने ऑन द बॉटम करते तो फिर वहां पे आपका ऑन द बॉटम आता। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपने यहाँ पे आइकन लगा रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और आपने यहाँ पे मान लीजिए कि आइकन सेट लगा दिया। अब मुझे आइकन के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो कस्टम फॉर्मेट में हम जाएंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, कस्टम शॉर्टिंग में, और यहाँ मैं अमाउंट पे और सेल कलर के जगह पे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन आ जाएगा और जो आइकन को हमें टॉप पे रखना है उसको सेलेक्ट करेंगे, टॉप या बॉटम का यहाँ पे डिसाइड करेंगे और फिर यहाँ पे हम रख सकते हैं। ओके, ये आपको उसी हिसाब से टॉप पे आएगा। तो ये हमारा शॉर्टिंग में था। दूसरी चीज है कि अगर आपके डेटा में कुछ बड़ा और कुछ छोटा इस तरह से लिखा होगा, कुछ बड़ा लेटर कुछ छोटा लेटर अगर आपको लिखा होगा तो दिक्कत होगा। तो शॉर्ट करते समय आप मतलब मिक्स हो जाएगा, दिक्कत नहीं मतलब मिक्स हो जाएगा। आप चाहते कि नहीं, मान लीजिए कि मेरा प्रोडक्ट में रैम कुछ छोटा भी लिखा है कुछ बड़ा भी लिखा है, तो वो मिक्स होने के जगह पे, जो मिक्स ना हो, मिक्स के जगह पे क्या हो, वो अलग रह जाए, पहले बड़ा लेटर आ जाए फिर छोटा लेटर आ जाए फिर छोटा लेटर आ जाए, तो नहीं अरेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप सेल वैल्यू को लिखें और यहाँ ऑप्शन पे आप जाएं, यहाँ पे आपको दिखेगा केस सेंसिटिव। आपने अगर केस सेंसिटिव को सिलेक्ट कर लिया
तो फिर आपको यहां पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े सर। थोड़ा कैसे नहीं समझे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारा रैम, रैम मैं छोटा लिख देता हूँ, ठीक है? है तो अब मैं अगर यहां जाता हूं कस्टम शॉर्ट में और प्रोडक्ट के हिसाब से मैं शॉर्ट करता हूं और यहां पे मैं सेल वैल्यू को लेता हूं और यहां हम देते हैं ऑप्शन में केस सेंसिटिव एंड ओके करते हैं एंड ओके। तो अब ओके जैसे कि देखिएगा मेरा डेटा में जाके कि जो रैम था, नीचे आ रहा है या ऊपर में रैम इकट्ठा एक जगह हो गया है। ये रैम दिख रहा है आपको, जो लोअर केस में था वो आपका ठीक है, इकट्ठा एक जगह हो गया ना, हमने तो अलग अलग लिखा था, समझे? ओके तो इस तरह से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमने टॉप, अभी जो सॉर्टिंग की है वो टॉप टू बॉटम की है। अगर मुझे सॉर्ट करना है लेफ्ट टू राइट तो कैसे करेंगे? अब लेफ्ट टू राइट के सॉर्ट मतलब, इसलिए मैं एक सिंपल सा आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। मैंने यहाँ पे ए दे देता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें मैं लेता हूँ ट्रांसपोज और फिर मैं यहाँ पे हमारा सेल्स मोड हो गया ना, यहाँ पे हम सेल्स कर, और यहाँ पे हम अपने डेटा हैं। मुझे अपने डेटा के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, लेकिन मुझे शॉर्ट टॉप टू बॉटम में, मुझे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना है। तो जो मुझे शॉर्ट करना है किसे करना है? लेफ्ट टू राइट को शॉर्ट करना है। तो कैसे करें लेफ्ट टू राइट सर्च? चलिए हम आपको आज बताता हूं इसी चीज में। तो सबसे पहले इस पे आप कर इसको सिलेक्ट कर ले, याद रखिएगा कि आप जो है अपना इसको नहीं कीजिएगा, हेडिंग जो होगा वो हेडिंग को मत कीजिए, वरना वो हेडिंग को भी शॉर्ट कर देगा। तो हेडिंग हटा के इसको सिलेक्ट कीजिए और फिर आइए कस्टम शॉर्ट में, ऑप्शंस में यहां आपको दिखेगा शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट किया और फिर यहां पर अपना रो सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे रो टू के अकॉर्डिंग करना है एंड ओके। ये आपका रो टू के अकॉर्डिंग आपका ये शॉर्ट हो गया। कोई डाउट सर? नो इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े इसमें, ओके तो अब हम कुछ ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। चलिए तो मैं छोटे छोटा सा डेटा उठाता हूं ताकि इसकी ट्रिक्स वगैरह के बारे में जान सकें।
100 में उठा दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसके नीचे हर एक रो के नीचे मुझे एक ब्लैंक रो ऐड करना है, हर एक रो के नीचे मेरा एक ब्लैंक रो ऐड होना चाहिए। अब इस तरह से हम ब्लैंक रो अगर ऐड करेंगे तो एक छोटी सी दिक्कत होगी कि मुझे एक एक करके ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे इसका कोई ये चाहिए, मतलब कि कोई शॉर्टकट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां साइड में आएंगे, एक सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, इसको एक सीरियल नंबर ऐड कर दिया। और फिर इस सीरियल नंबर को कॉपी करके मुझे इसके नीचे पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहां पे थ्योरी है कि जब अब मैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा तो जो मेरा वन है वो तो रहेगा रहेगा, लेकिन नीचे वाला वन उठ के इसके नीचे आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ वन ही उठ के नहीं आएगा, वन अपना पूरा रो लेके जाएगा, तो इस रो में तो बाकी जगह पे ब्लैंक है ना, तो पूरा ब्लैंक रो उठ के ऊपर आएगा। तो एक आपका वैल्यू होगी, दूसरी आपकी ब्लैंक होगी। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट में हम कस्टम शॉर्ट में आते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अपना सीरियल नंबर और शॉर्ट कर देते हैं। तो देखा, हर एक रो के नीचे, एक रो के नीचे आपका एक ऐड हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मुझे इसको ब्लैंक को हटाना है। अब बाद में मैं सीरियल नंबर को रिलीट कर दूंगा। अब एक चीज और आती है कि आपके पास कभी डेटा ऐसा आता होगा जिसमें बीच बीच में बहुत सारे ब्लैंक रो होते हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, फिल्टर करके फिर उसको डिलीट करते हैं। तो फिल्टर करके डिलीट करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फिल्टर करके डिलीट करते हैं तो पीछे का डेटा, पूरा डेटा ऊपर नीचे घिस सकता है, ये तो टाइम कंज्यूम होगा, ऊपर से आपका यहाँ पे ऊपर से आपका जो है पीछे का डेटा डिलीट होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए फिर मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे आता हूं कस्टम शॉर्ट में, मैं करता हूं किसी एक अकॉर्डिंग मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। किसी एक अकॉर्डिंग शॉर्ट करने से क्या होगा कि आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। आपका डेटा क्या होगा, जितने ब्लैंक डेटा है वो पूरा का पूरा नीचे आपके साथ आ जाएगा, और ये फास्ट भी होगा और सुरक्षित भी होगा। क्लियर है सर? डाउट तो नहीं इसमें? आगे बढ़े। अब आप लोग एक क्वेश्चन नोट कीजिए जो मैं दे रहा हूं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन यह है कि अभी आपने देखा कि मैंने जो है एक के नीचे एक रो ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप लोगों को रिसर्च करना है कि मुझे एक के नीचे नहीं, मुझे तीन के नीचे या चार के नीचे या दस के नीचे, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर के नीचे मुझे ऐड करना है, तो उस केस में क्या करें। समझे? एक क्वेश्चन आप लोग करके रिसर्च करके आप लोग आए।